जब माया संग ना चले, जब माया संग ना चले, जब माया संग ना चले, जब माया संग ना चले। ध्यान देना बुजुर्गों, अरे गर्भ मासों में जब तू आया, बड़े भाग्यमान सतन पाया। दस से सोला गई खेल में, दस से सोला गई खेल में, बीस गई तेरी मद की जेल में। से सुनना दादा, स्याही जाए सफेदी आवे, ए स्याही जाए सफेदी आवे, तनकी खालस कुड़ी सब जावे। क्यों करता तू मेरा मेरा, ए क्यों करता तू मेरा मेरा, कोई नहीं है यहाँ पे तेरा। एक दिन और बड़ा घट में डेरा, एक दिन और बड़ा घट में डेरा, अग्नि चले जमाया संग ना चले।
बढ़ जा बस। बस ओ सम्मान फुल मेरे भैया इतनी है भी यंत किसमें लाए रही ब्रांड ही पी लेते महाराज यहाँ जब अश्वत्थामा रात्रि के समय पहुंचा तो पांच पुत्र लेटे हुए पांचों पुत्रों के सिर काट के और झोली में डाल के महाराज दुर्योधन के पास पहुंचे। बोले ये लो, रोज कहते थे नहीं मार पाऊंगा नहीं मार पाऊंगा, आज मैं मार के लाया हूं। सिरों को रात्रि के समय दबाया, खोपड़ी को पकड़ के बैठ गया। और अश्वत्थामा तेने तो गजब कर दियो, क्यों हमारे पूरे कुल में अब कोई पानी देने वाला नहीं है। अरे मेरा बेटा लक्ष्मण तो पहले ही महाभारत में मारा गया, अब मैं किसके सारे इस परिवार को देखूं। बहुत परेशान है। सुबह जवरण भूमि में हुआ तो डेरों में रक्त बह रहा था, हर अवला पड़ी रो रही थी, द्रौपदी बाल बिखराए हुए लालों पे पड़ी रो रही थी। भगवान आए, बोले बहना का बात है, काय को रोई रही? बोले आपके होते हुए जब बहन पे इतनी बड़ी तकलीफ है तो आपका रहना बेकार है। जवाब दिया, तू चिंता ना कर, उस अश्वत्थामा को तेरी आंखों के सामने ही मारूंगा। जा रहे थे भगवान, जब आगे बढ़े हैं तो अर्जुन ने आगे को बाण चलाया, अश्वत्थामा भागा। जब बाण चलने लगे हैं महाराज, इधर एक ब्रह्मास्त्र छोड़ा जो मैया उत्तरा बैठी हुई थी। अश्वत्थामा का वो ब्रह्मास्त्र मैया उत्तरा के गर्भ में जा लगा, गर्भ जलने लगा। और जैसे ही गर्भ जला तो मैया ने जवाब दियो उत्तरा ने, हे गोविंद पाही पाही महायोगिन देव देव जगत पते नान्यम तद पदम पश्ये यत् मृत्यु परशरम। आप मेरी मृत्यु कर दें, मैं मर सकती हूं लेकिन मेरे बच्चे को बचा लो, ना तो कोई सहारा नहीं है। यहां जब तक बाणों की बौछार होती रही, भगवान युद्ध करवाते रहे, लेकिन अंत में जब अश्वत्थामा को लेकर के भगवान मैया द्रौपदी के सामने पहुंचे तो मां द्रौपदी ने महाराज हाथ जोड़े और जवाब दिया, भैया इसे मत मारो। क्यों? अरे इसे क्यों ना मारे? बोले बीरन, अगर आपने इसे मार दिया तो इसकी मां है गौतमी परेशान हो जाएगी, ये द्रोणाचार्य का अकेला बेटा है, मेरे पांच मरे हैं तो मुझे कितना कष्ट है, और इसका अकेला ये बेटा है, अगर मर गया तो गजब हो जाएगा, वीरन छोड़ दो इसे। भगवान बोले बेना छोड़ने की बात करती है? बोले हाँ। अर्जुन का चेहरा देख के भगवान बोले, हे अर्जुन धरड़ी करड़ी है थमी हुई, ऐसी सुशील महिलाओं से और बलवानों के यदि इज्जत है तो ऐसी ही अबलाओं से। अगर पृथ्वी पे ऐसी माताएं न रहे तो पृथ्वी कभी टिकी नहीं सकती। क्या करें? द्रौपदी ने मना कर दिया। धर्मराज से पूछा, आप बताइए मारे या छोड़े? धर्मराज बोले, जो धर्म ग्रंथ कहते हो वो करो। भीम से पूछा, आप बताइए क्या करें? बोले अगर आपने छोड़ दिया ना तो मैं मार दूंगा,
नकुल सहदेव ने कहा आप ही जानो, अर्जुन ने कहा मार दो। सबका परामर्श लिया भगवान ने। अब स्वयं भगवान कहते हैं, जब द्रौपदी ने कहा कि भैया अब हम और आप जाति के आप यदुवंशी हैं, आप यदुवंशी होकर के ब्राह्मण पे हाथ उठाएंगे तो ये शोभा नहीं देता, इसलिए वीरन इसे छोड़ दो। तो भगवान बोले धर्म ग्रंथ पता है क्या कहते हैं? बोले क्या? ब्रह्म बंतु नहंति व्ययो आत्यायी बदाहरणा महायवनो मानवंतयम परिपाई अनुशासनम। बोले धर्म ग्रंथ ये कहते हैं कि ब्राह्मण पे कभी हाथ नहीं उठाना चाहिए और बच्चों को मारने वाले को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। ब्राह्मण पे कभी हाथ नहीं उठाना और बच्चों को मारने वाले को कभी छोड़ना नहीं है। अब क्या करें? बोले मौत से एक बड़ी सजा है। क्या? अपमान। आप किसी व्यक्ति को मारोगे तो वो एक ही बार में मर जाएगा, लेकिन आप भरे समाज में आप किसी की बेइज्जती कर दो तो जब जब वो अपना दर्पण में मुख देखेगा तब तब रोज रोज तिल तिल मरेगा। द्रोड़ी का सिर चीर कर मणि को लिया निकार, लज्जित नीचा सिर किए निकल चला चांडाल। अश्वत्थामा निकला अपमानित होकर के, या जो गर्व था वो भगवान ने वही रोक दिया। गर्व में भगवान ने जाकर के रक्षा की है। जो पुत्र था मैया उत्तरा के गर्व में, तो जैसे एक भक्त भगवान के बारे में समझ सकता है अगर सच्चा लगाव है, वैसे ही मैया द्रौपदी प्रभु के बारे में समझ गई कि मेरे वंश को भगवान ने बढ़ा दिया। और हाथ जोड़ के बोली बिहारी, नमस्ते पुरुषत्वाधीमस्वरम प्रकृति परम अलक्षणम सर्वभूतानां मनवंतिरं वस्थितम महाराज कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदाय च नंदगोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमा पंकजा नाभाय नमा पंकज मालिने नमा पंकज नेत्राय नमस्ते पंचग्रे। जवाब दिया गोविंद मैं आपको बार बार प्रणाम करती हूँ, आप हर जीव में हर पुरुष में हर स्त्री में हर जगह निवास करने वाले हैं, तो इसलिए आपसे निवेदन है कि मैं आज आपको स्वयं परमात्मा के रूप में देखना चाहती हूँ। भगवान बोले ये लो, वैसे तो दुनिया में भक्तों की कमी नहीं है और बुआ भी हमें भगवान बोल रही है, अब तो बहुत गड़बड़ है। और बुआ मैं आपका भतीजा ही ठीक हूँ, मुझे कोई शौक नहीं है आपके लिए परमात्मा बनने का। बोले मुझे परमात्मा नहीं बनना, मैं तुम्हारा भतीजा ही ठीक हूँ। एक बात और है बुजुर्गों, ये भगवान कुंती को बुआ क्यों बोलते थे? भगवान कुंती को बुआ क्यों बोलते थे? जब कुंती ने कहा कि आप साक्षात परमात्मा हैं, तो भगवान बोले ना ही मान रही हो, जब भगवान बनाई तो है तो एक काम करो कुछ हमसे मांग लो। तो बोले धर्मराज को कुछ दो सबसे पहले। धर्मराज से कहा क्या चाहिए, तो धर्मराज बोले कि मैं ये चाहता हूं कि जीवन भर मेरे धर्म में कोई कमी ना आए। अर्जुन ने सेवा मांगी, भीम ने कहा कि मेरे बल में कोई कमी ना आए। और अब नंबर आयो नकुल सहदेव को, तो नकुल सहदेव ने सेवा मांगी। नकुल सहदेव ने सेवा मांगी, द्रौपदी से पूछा तो द्रौपदी बोली भैया आपने हर समय हर वक्त मेरी लाज बचाई है, आगे भी बचाते रहना तथास्तु। अच्छा भगवान की एक बहन और है जिसका नाम है सुभद्रा। सुभद्रा से पूछा कि बहना क्या चाहिए? जवाब दिया वीरन आपके पद रूपी चरण कमलों में मेरा मन रूपी भमरा विलुप्त हो जाए।
तथास्तु। सबको वरदान दिए, अब नंबर वाव हुआ कुंती को। तो कुंती से पूछी, बताओ बुआ का चाहिए? तो हाथ जोड़े की कुंती जवाब दे रही, बिहारी अगर आप हमें कुछ देना चाहते हैं तो एक चीज दे दो। क्या? हमें दुख चाहिए। क्या मांगा? दुख। अरे भगवान बोले, बुआ सोना चांदी हीरे मोती सुख लोग मांगते, तुम दुख मांग रही हो? और तुम्हारा दुख से पेट नहीं भरता क्या? क्योंकि बुजुर्गों, ये जो कुंती है ना, इनका असली नाम कुंती नहीं है, इनका असली नाम है प्रथा। जो सूरसेन की बिटिया है और सूरसेन के पुत्र हैं, वसुदेव, वसुदेव के बेटा है कृष्ण, इसीलिए कृष्ण कुंती को बुआ बोलते थे। ये सूरसेन की बिटिया है प्रथा, और सूरसेन के मित्र एमपी में, मध्य प्रदेश में मुरैना पड़ता है, वहां के राजा थे कुंत भोज, उनके कोई संतान नहीं थी, उन्होंने प्रथा को गोद ले लिया, तो राजा का नाम था कुंत भोज, बिटिया को नाम पड़ गयो कुंती। बोले वहां कष्ट झेले, जब ये धीरे धीरे शादी के योग्य हुई, तो ऐसे व्यक्ति से शादी हुई थी कुंती की, जिन्हें श्राप लगा था कि औरत के पास जाओगे तो मृत्यु हो जाएगी, राजा पांडु। वो तो भलाओ जो दुर्वासा ऋषि से मंत्र लिए थे, जिनसे पांच पांडव पैदा हुए, राजा की दूसरी पत्नी थी माद्री, बहुत सुंदर थी, शरीर से स्पर्श किया, छूते ही छूते मृत्यु हो गई। अब बोले भगवान बता बुआ, बचपन में तुमने इतने कष्ट झेले, उसके बाद जवानी रढ़ापा भोगा, और फिर जब भीम छोटे थे तो कौरवों ने जहर के लड्डू दे दिए, भलाओ मेरा जो बचा लिया, और आज तुम फिर हमसे दुख मांग रही हो, जब दुख से पेट ना ही भरेगा। तो आंखों में आंसू लेके कुंती जवाब देती हैं कि हे गोविंद, माधव आप शायद नहीं जानते, आप भूल रहे हैं कि जब जब हम पे दुख रहा, और दुख में हम रहे, कष्ट में हम रहे, तो आप 24 घंटे मेरे साथ रहे, और आज जब सुख की बारी आई है तो आप मुझे छोड़ के द्वारिका जा रहे, हमें ऐसा सुख ना चाहिए जमीन तुम ना हो, हमें ऐसा सुख चाहिए ही ना है जमीन तुम ना हो। जो सच्चा भक्त होता है ना, वो एक ही बात कहता परमात्मा से कि बिहारी मेरे रोने से तुझको जो आए हंसी, मेरे रोने से तुझको जो आए हंसी, तुम्हें रो रो के तुझको हंसाता रहूं। ऐसा वैसा अगर नशा कर लो तो शाम को करोगे सुबह तक उतर जाएगा, सुबह करोगे तो शाम तक उतर जाएगा, लेकिन अगर कन्हैया के नाम का नशा हो गया तो वो जीवन में उतरने वाला नहीं है, क्योंकि जिसे भूत पकड़ ले ना, भूत जिसे भूत पकड़ ले उसका इलाज है भगतों के पास में, जो भगत होते ना उनके पास, लेकिन जिसे ये यशोदा का पूत पकड़ ले उसका इलाज नहीं है। कारी कमरिया पे दूसरों रंग चढ़वे वालों नहीं है। एक ब्रज के संत कहा करते थे कि हमारे ब्रज में कोई भूखा नहीं सोता और वो खिला देता है, हमारे ब्रज का कड़ कड़ भी मेरे श्याम के होने का पता देता है, और नशे की बात हमसे क्या करते हो प्यारे, नशे की बात हमसे क्या करते हो प्यारे, अरे वृंदावन का तो पानी भी नशा देता है। लगन सच्ची होनी चाहिए। भगवान ने सबको वरदान दिए, आशीर्वाद दिया, पांचों पांडव पितामह भीष्म के पास में पहुंचे, आशीर्वाद लिया, और जब आशीर्वाद लिया है तो बैठा लिया पितामह भीष्म ने, बातें होने लगी, और बुजुर्गों बातें होते होते सत्संग शुरू हो गया।
जो सत्संगी व्यक्ति होता है वो बिना सत्संग के नहीं रह सकता। एक विद्वान लिखते हैं कि चार मिले 64 खिले, ध्यान देना, चार मिले 64 खिले, 20 रहे करिजोर, और हरिजन सो हरिजन मिले पैसे 7 करोड़। चार मिले, दौर दो आंखें कितनी हो गई, चार, चार मिले 64 खिले, 32 और 32 दांत कितने हुए, 64, चार मिले 64 खिले, 20 रहे करजोर, दोनों हाथों की उंगलियां दोनों की मिला के हो गई 20। हरिजन सो हरिजन मिले, जब दो भगवान के भक्त आपस में मिलते हैं तो एक इंसान के शरीर में 3.5 करोड़ रोमा होते हैं।